नमस्ते दोस्तों, विलेज रसोई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी। ये दोस्तों मैंने आलू लिए हैं, छील लिए हैं, अभी काटना बाकी है। और ये तीन टमाटर लिए हैं, ये तीन हरी मिर्च हैं, ये अदरक का टुकड़ा है दोस्तों। और मसाले में मैंने लिया है, ये हल्दी है, ये धनिया पाउडर है, ये मिर्चा लाल मिर्च पाउडर है, ये हींग है, ये गरम मसाला है, ये जीरा है दोस्तों, और ये लहसुन है, ये प्याज है। इसको मैं दोस्तों पेस्ट बना लूँगी। पहले काट लेती हूँ। इन सब्जियों को दोस्तों मैं धोकर साफ कर लेती हूँ। दोस्तों, आलू और टमाटर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है दोस्तों, मेरे तरीके से आप भी बनाइए। ठीक है दोस्तों, मैंने आलू को काट लिया है और दोस्तों मैं ये लहसुन और प्याज को पीस लिया है। और दोस्तों ये मैंने मसाला भी पानी आपको जलाने जा रही हूँ। ये पतीले में लेप लगा लिया है। सब्जी बनाने जा रही हूँ। जैसे गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और हींग। दोस्तों, जीरा मेरा अच्छे से चिटक गया है, अब मैं इसमें डालूंगी ये प्याज और लहसुन का पेस्ट। इसको दोस्तों मैं अच्छा ब्राउन कलर का हो जब तक होगा तब तक भूनूंगी, फिर मैं इसमें डालूंगी ये मसाला। और तो दोस्तों मैं ये टमाटर काट लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा प्याज अच्छा ब्राउन कलर का हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये मसाला। प्याज और मसाला एक साथ में भून लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल देती हूँ। इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और मैं इसको मसाले के साथ भूनूंगी। इसमें मेरा टमाटर मैंने डाल दिए हैं, पक रहे हैं। अब इसमें नमक डाल दूंगी जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। देखिए मेरे टमाटर अच्छी तरह मसाला में मिल गए हैं और गल भी गए हैं। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। दोस्तों, आलू के साथ अभी मैं इसको भूनूंगी, फिर इसमें पानी डालूंगी। इसको मैं ढक देती हूँ दोस्तों। अब मैं इसमें
थोड़ी देर भून कर फिर पानी डालूंगी, तब तक मैं आटा बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा आटा जब तक सेट हो रहा है तब तक मैं सब्जी में पानी डाल लेती हूँ कि और मेरी सब्जी तब तक पक जाएगी तब तक मेरा आटा भी सेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी कितनी अच्छी तरीके से पक रही है। अब मैं इसको इस आग पर चूल्हे से उतार कर इधर आग पर रख दूँगी, तब तक धीरे धीरे इसको पक जाएगी, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं रोटियां बनाऊंगी, फिर आपको भी दिखाती हूँ रोटियां सेक कर। देखिए दोस्तों, मैं रोटी बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक रोटी सेक ली है, दूसरी सेक रही हूँ और एक मेरी तवा पर पड़ी है। देखिए दोस्तों, कैसे फूली फूली मेरी रोटियाँ बन रही हैं। इसी तरह मैं सारी रोटियों को बना लेती हूँ। सारी रोटियों को बना लिया, ये दो रोटी लास्ट बची हैं, इनको भी मैं बना लेती हूँ। फिर दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सब्जी रोटी खाना कैसा बना। ये मेरी लास्ट रोटी थी, वो भी मैंने बना ली है। दोस्तों, मेरी सारी रोटियाँ बनकर तैयार हैं। इसी तरह मैं सब्जी रोटी बनाकर दिखाया। ये देखिए, बनकर तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है। देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी रोटी बनकर तैयार है। मैंने इस तरह से टमाटर की सब्जी और रोटी बनाई है। दोस्तों, आप भी बनाकर खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। दोस्तों, मेरे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि मेरा खाना कैसा आपको लगता है। धन्यवाद दोस्तों।